ऑनसोमोडियम होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि सेक्सुअल वीकनेस इम्पोटेंसी को बिल्कुल ही ठीक कर देती है, जड़ से ही ख़त्म कर देती है। हो सकता है दोस्तों आपको आने वाले समय में वीडियो मिले कि ऑनसोमोडियम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप दूर से शीशी पड़ी हुई को देख लो, आप दूर से ठीक हो जाया करोगे। तो ऐसे क्लेम में नहीं पड़ना है, आपको परमानेंट और साइंस बेस्ड जो रिसर्च बेस्ड इलाज है हम इस चैनल पर वही बताते हैं। और ऐसी मेडिसिन खाने से परमानेंट नपुंसकता हो सकती है आपको एक बार ठीक होकर। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए और क्या क्या तरीके हैं जो इस वीडियो में मैंने सारे बताए हैं, तो इसको आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और जिसको हम सेक्सुअल वीकनेस इनफर्टिलिटी बोल देते हैं, और इस चैनल पर सभी लोग तभी आते हैं जब वो होम्योपैथी की मेडिसिन वो एक दिन के अंदर ठीक करने वाली, सात दिन के अंदर ठीक करने वाली परमानेंट ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन खाकर देख चुके होते हैं, उनको कोई आराम नहीं आता है तो फिर ही वो इस चैनल पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यही सेक्सुअल वीकनेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, सेक्सुअल वीकनेस। तो इसकी कितनी सारी मेडिसिन आपने ले ली है, अब तक आप ठीक नहीं हुए हो, आज मैं उसका आपको कारण बताऊंगा और उसको ठीक करने के तरीके भी बताऊंगा। ये इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, होम्योपैथी में हो सकता है आपने कोई ऐसी ही वीडियो देख ली हो, अब आने वाले समय में आने लग जाएंगी कि एग्नस कास्टस को बस देख लो, लेने की ज़रूरत नहीं है, देखने से ठीक होने लग जाओगे, क्योंकि कंपटीशन इतना चल गया है। तो अब आने वाले समय में आप मेडिसिन देखने से ठीक होया करोगे, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चैनल के बारे में अगर नए हैं तो मैं बता दूं, हमारा किसी भी कंपनी के साथ कमीशन बेस एजेंट नहीं है हम, ना ही किसी कंपनी का प्रोडक्ट या मेडिसिन खरीदने या बेचने के लिए हम देखते हैं। तो हम जो भी सच है वही बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि ऐसा प्रीमेच्योर एजेकुलेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन अब तक ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जिनको ये तकलीफ है उनको ये समझना चाहिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। क्योंकि इनफर्टिलिटी होता है कि बच्चे पैदा करने की समर्था ना होनी, सेक्सुअल वीकनेस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है दोनों अलग अलग चीज़ हैं, कई लोग इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि सेक्सुअली तौर पर तो वीक होता है पर्सन, पर बच्चे पैदा करने के लिए जो वीर्य के अंदर कीटाणु चाहिए, जो स्पर्म चाहिए, वो उसके अंदर पूरे होते हैं, इसलिए कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनको लिंग के अंदर तनाव नहीं आता तो बच्चे ही नहीं पैदा कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कंडीशन अलग अलग है, बच्चे पैदा ना कर पाना और सेक्सुअल वीकनेस है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। सेक्सुअल वीकनेस होने से बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मर्दों के अंदर, तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, आप कर सकते हो, वीर्य के अंदर कीटाणु है वो पूरे होते हैं चाहे सेक्सुअल वीकनेस कितनी मर्जी हो। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद है कि 80% लोग, जो 80% लोग हैं उनको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, उनको सेक्सुअल वीकनेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन है ही नहीं। सिर्फ 20% लोगों को हैं जिनको वाकई में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ये 80% लोग हैं, ये 80% तब बन जाते हैं जब वो गलत मेडिसिन खाते हैं, कहीं से पता लग गया होम्योपैथी की नक्स वोमिका न्यूफोर एग्नस लाइको ये कर देती है वो कर देती है, वो परमानेंट तब बनते हैं। 80% लोगों को ये तकलीफ नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसकी मैं प्रूव करूँगा, आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको सेक्सुअल वीकनेस थी नहीं, आप इतनी सारी मेडिसिन लेकर जल्दबाजी में डिप्रेशन में होने की वजह से और ज़्यादा आप कमज़ोर वीक हो गए हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 80% लोग क्या करते हैं, ये सेक्स को बढ़ाने के लिए मेडिसिन खाते हैं हमेशा कि सेक्सुअल पावर उनकी कम होगी है ये पूरी हो जाए। पर कभी आपने ये सोचा है कि सेक्सुअल जो पावर है वो आपके अंदर कम क्यों हो रही है, आपको ट्रीटमेंट किसकी ज़रूरत है, आपको बढ़ाने वाली मेडिसिन की ज़रूरत है या जो बीमारी को कम कर रही है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसलिए सबसे पहले ही आपको आंसर मिल गया होगा कि आप ट्रीटमेंट अब तक क्या लेते हो। आप कहीं पे भी जाते हो, कमज़ोर हो गए हो, कमज़ोरी को दूर करने के लिए दवा दे दो, एग्नस कास्टस ले ली, लाइकोपोडियम ले ली, न्यूफर ले ली, डेमियाना प्लांट ले लिया, डेमाग्रा फोर्ट ले ली, तो आप सीधा बढ़ाने के चक्कर में लग जाते हो। पर सेक्सुअल पावर कभी तो आपके अंदर ठीक थी,
तो उसके बाद कुछ तो बीमारी हुई होगी जिसकी वजह से वो कम हो रही है सेक्सुअल पावर आपके अंदर, तो उस बीमारी को ठीक करने की ज़रूरत है। तो मेडिसिन आप बढ़ाने वाली कितनी मर्जी खा लो, उस बीमारी की वजह से फिर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आपको ट्रीटमेंट लेना किस चीज़ का है। उसके बाद है, अब हम एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कुछ कि आपको सेक्सुअल वीकनेस है नहीं, अरेक्शन है, फेल हो जाती है, आप जैसे ही अपने पार्टनर के पास जाते हो, पार्टनर के पास जाने से तो पहले लिंग के अंदर पूरा तनाव होता है, पर जैसे ही आप अपने पार्टनर के पास जाते हो, पास जाती है, एरेक्शन है गायब हो जाती है, लिंग के अंदर ढीलापन आने लग जाता है, उसके अंदर से चिपचिपा पानी छूटने लग जाता है, ठीक है। तो दूसरा है, जब आप सोए हुए होते हो तो तब क्या होता है, लिंग के अंदर पूरा तनाव आ जाता है, और जब आप जग जाते हो तो लिंग के अंदर फिर से ढीलापन हो जाता है। तीसरा है, जब आपका ध्यान सेक्स की तरफ है ही नहीं, आप कुछ सोच ही नहीं रहे, कोई एरोटिक मटेरियल के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तब एकदम से स्ट्रॉन्ग इरेक्शन आती है, वो 10-15 मिनट तक बनी रहती है, पर जब आपको ज़रूरत होती है लिंग के अंदर तनाव की तब होती नहीं है। अगर ये ऐसी हालतें आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब आपको सेक्सुअल वीकनेस दोस्तों है ही नहीं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है। अब देखिए, अब कैसे पता लगाएं कि ये सारा कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जब भी आप स्ट्रेस में होंगे तो लिंग का साइज आओ नॉर्मल से ही छोटा हो जाएगा, आपके हाथों और पैरों की तलियों में से क्या होता है, गर्मी निकलती रहती है, हीट प्रोड्यूस होती रहती है, बीपी बहुत ज़्यादा कम रहता है, सारे शरीर में वो तनाव है और ढीलापन रहता है, और चेहरे में से भी गर्मी निकलती रहती है। तो स्ट्रेस से क्या होता है, बॉडी है सारे खून का दौरा है लिंग वाले हिस्से से निकाल कर बॉडी के दूसरे हिस्सों में भेज देती है, तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, खून की ज़रूरत लिंग वाले हिस्से में नहीं समझती है, जब बंदा कोई चिंता में होता है तो उसको वहाँ से निकाल कर वो बॉडी के दूसरे हिस्सों में भेज देती है, तो स्ट्रेस के दौरान ऐसा होता है। तो ऐसी अगर आपके साथ इरेक्शन फेल हो रही है, पार्टनर के पास जाती लिंग के अंदर ढीलापन आ जाता है, पहले ठीक होता है, नींद के दौरान है इरेक्शन ठीक रहती है, पर जैसे ही उठते हो गायब हो जाती है, जब आपका ध्यान सेक्स की तरफ नहीं होता है तब इरेक्शन रहती है, तो इसका मतलब आप डिप्रेशन में हो दोस्तों, स्ट्रेस में हो, आपको डिप्रेशन स्ट्रेस के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि सीधा सेक्स बढ़ाने वाली मेडिसिन की, क्योंकि ये स्ट्रेस और डिप्रेशन के लक्षण हैं सारे। उसके बाद है, आपने अराउजल के लिए दिन भर सोचते रहते हैं कि मैं सोचने लग गया, मैं चेक करता हूँ कि लिंग में तनाव आता है कि नहीं आता है, सारा दिन सोचते रहते हैं, ऐसी पॉर्न वीडियोस देखने लग जाते हैं कि मैं चेक तो करूँ मेडिसिन लेकर आया था कि तनाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारी बॉडी कंप्यूटर या मशीन नहीं है कि उसको स्विच छोड़ा तो चल पड़ा, ऑफ कर दिया तो बंद हो गया। अगर शरीर को आप ओवर एक्टिवेट करोगे, सारा दिन ही बटन दबाते रहोगे कि देखते हैं इरेक्शन होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है, तो जब ज़रूरत होगी तब वो होगी नहीं, तो ऐसे डैमेज नहीं करना है। कई लोग ऐसा कर करके भी अपनी बॉडी को डैमेज कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, वीकनेस। अब क्या होता है, कईयों से दौड़ा तो जाता नहीं है, चला नहीं जाता उनको, थोड़ा सा साइकिल चलाती उनकी सांस फूल जाती है, यहाँ से वहाँ तक कुछ एक्सरसाइज करने में, कुछ सामान यहाँ से वहाँ रखने में उनकी सांस फूल जाती है। तो दोस्तों, जब आपका शरीर ही कमज़ोर है तो लिंग भी उसके साथ जुड़ा हुई हिस्सा है, तो उसकी पावर अलग से कैसे बढ़ जाएगी। तो आपको पता करना है कि आपके शरीर में कमज़ोरी क्यों चल रही है। जैसे टाइफाइड के 1-2 साल बाद है, पूरी शरीर में वीकनेस और सेक्सुअल वीकनेस आने लग जाती है, तो उस बीमारी का इलाज आपने करना है, ना कि सेक्स बढ़ाने वाली मेडिसिन लेने लग जाना है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि आप जो 80% तक लोग हैं वो इस कैटेगरी में ही फॉल कर रहे हो, जिनको सेक्सुअल वीकनेस की मेडिसिन की ज़रूरत थी नहीं, ना ही उनको सेक्सुअल वीकनेस थी, उनको बस अपनी माइंड को ठीक करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत थी, माइंड की कुछ रिपेयर करने की ज़रूरत थी, कुछ सोच बदलने की ज़रूरत थी, कुछ बीमारी की पता करने की ज़रूरत थी जिसकी वजह से कमज़ोरी आ रही थी उनको। अब चलते हैं 20% की, और जिन लोगों को वाकई हम मानते हैं कि भाई इनको सेक्सुअल वीकनेस है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत है, तो उनको भी हम ठीक कैसे करेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। जो लंबे समय से मास्टरबेशन करते आ रहे हैं, तो उनको भी, ये कई लोगों को सेक्सुअल वीकनेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहती है, उसका कारण क्या है, यही लगातार अपने लिंग की तरफ खून को स्टिमुलेट करता रहना, अपने शरीर को स्टिमुलेट करते रहना, तो ऐसे बार बार
लिंग के अंदर तनाव लाने को चाहे हम दिमाग से लाएं सोच सोच कर कि मैं चेक करता हूँ लिंग के अंदर तनाव आता है कि नहीं आता है, चाहे हम मास्टरबेशन करें, तो डैमेज सेम ही है, मशीन नहीं है हमारी बॉडी, तो सही टाइम पे इरेक्शन नहीं होगी, तो ये नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाती है। दूसरा क्या है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली मेडिसिन, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी को, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि क्या होता है आपको मान लो जैसे मैंने बताया टाइफाइड की वजह से सेक्सुअल वीकनेस हुई थी, अब ज़रूरत आपको किसकी चीज़ की थी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए आपको ज़रूरत थी टाइफाइड के बाद जो कमज़ोरी आती है उसको ठीक करने की, उसकी वजह से आपकी जो लिबिडो है, जो सेक्स करने की इच्छा है, जो इरेक्शन में प्रॉब्लम है, जो लिंग में तनाव है, वो उसकी वजह से कम हो रहा है, आप कहाँ चले गए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली सीधी मेडिसिन। तो ऐसे ये सीधी मेडिसिन खाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक बार ठीक होगा उसके बाद परमानेंट सेक्सुअल वीकनेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं इलाज करना किस चीज़ का है, ऐसे मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। जिनको लो बैक एक रहती है, जिनकी कमर में दर्द रहता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी कमर में से लिंग की तरफ कंट्रोल करने वाली नसें निकलती हैं, जैसे आप दिमाग में सोचते हो कि सेक्स करना है आपको, तो उसके बाद है लिंग के अंदर तनाव आने लग जाता है, तो लिंग के पास ये करंट है आपकी सोच को, ये सारी चीज़ें नसें लेकर जाती हैं, तो वो नसें कमर से होके जाती हैं, तो अगर कमर में किसी के दर्द है तो उसको सेक्सुअल वीकनेस प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो ही जाएगी, तो उसको ज़रूरत कहाँ पर ठीक होने की, अपने कमर दर्द को ठीक करने की, अपने हड्डियों के मणके ठीक करने की, डिस्क प्रोलैप्स है उसको ठीक करने की। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली मेडिसिन खा रहा है होम्योपैथी की, तो क्या मिलेगा उससे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे, डैमेज ही होगा उसका। दूसरा क्या है, स्पर्मटोरिया होता है कईयों को, स्पर्मटोरिया क्या होता है कि पेशाब करते वक्त तो उसके साथ सफ़ेद सफ़ेद कलर का चिपचिपा पानी निकलता रहता है, नाइट फॉल होता रहता है। अब क्या करते हैं, नाइट फॉल का वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो नाइट फॉल का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है शाम को खाली पेट सोना, क्योंकि नाइट फॉल हमेशा तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें खाने लग जाओगे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, खाने पीने में बदहजमी की वजह से ये 90% लोगों को नाइट फॉल होता है, अगर उसको आप ठीक कर लोगे, शाम को खाली पेट रखना शुरू कर दोगे तो नाइट फॉल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आपको नाइट फॉल होने लगा, आपको किसी ने बता दिया कमज़ोरी आ रही है, आप चने खाने लग गए, गुड़ खाने लग गए, घी खाने लग गए, तो ये तो इसको और ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, ऊपर से आपका शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, खाली पेट सोना शुरू करना है तो नाइट फॉल आपका ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो वीकनेस है वो भी चली जाएगी। और सबसे ज़्यादा है अल्कोहल, ये परमानेंट ही डैमेज कर देती है, आपने सुना भी होगा ये जो आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं सारे 10-10 मेडिसिन आप 20-20 बूंदें आपको बताया जाता है दिन भर लेने के लिए, तो इसके लिए आप जाइए NCBI साइट के ऊपर, उसके ऊपर आप भरें इथाइल अल्कोहल, जो होम्योपैथी का अल्कोहल होता है उसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, कि उसके क्या नुकसान है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये अल्कोहल है जो होम्योपैथी की, ये अल्जाइमर डिजीज़ भी कर सकती है, पार्किंसन भी कर सकती है, गुर्दे भी फेल हो सकते हैं आपके, इतनी अननेसेसरी इथाइल अल्कोहल लेने से, ये होम्योपैथी है ही नहीं कि दिन भर 20-20 दिन भर 20-20 बूंदे लेते रहना, ये होम्योपैथी नहीं है दोस्तों, ये होम्योपैथी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लेने से गुर्दे भी ख़राब हो जाएंगे, हार्ट भी फेल हो सकता है, परमानेंट डैमेज हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन और सेक्सुअल वीकनेस तो ये तो बिल्कुल ही खराब ही हो जाएगी, एक बार ठीक होगी मेडिसिन तो अपना असर दिखाएगी, उसके बाद परमानेंट काम गायब हो जाएगा बस, क्योंकि आप ये रिसर्च पढ़िए इनके ऊपर कैसे टेस्टोस्टेरोन को लो कर देती है, फैटी लिवर कर देती है, लिवर को डैमेज पहुंचाती है इथाइल अल्कोहल, तो होम्योपैथी लेनी चाहिए, ऐसे बूंदों वाली दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो यही है कि आपको वीकनेस है भी है या नहीं है, मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं है, तो ये सोचना चाहिए। लिवर इन्फेक्शन है किसी को, हेपेटाइटिस है, फैटी लिवर है, लिवर का साइज बढ़ गया है, तो उन लोगों को भी 20% के अंदर आते हैं, उनको सेक्सुअल वीकनेस रहती रहती है, क्योंकि लिवर अगर ठीक नहीं होगा तो सेक्सुअल वीकनेस रहेगी रहेगी, इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिवर की वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा है, ESR की इन्फेक्शन बढ़ी हुई है, तो ये सारे काम लिवर ने कंट्रोल करने हैं, तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। शुगर है, कई लोग शुगर बहुत ज़्यादा इनटेक करते रहते हैं, जिनकी शुगर बढ़ी रहती है वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं।
इनडाइजेशन जिनको रहती है, बदहजमी की प्रॉब्लम जिनको रहती है, वो भी 20% के अंदर आ जाते हैं, पर वो इस कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं शाम को खाना छोड़कर, खाली पेट रखकर और ताकत वाली चीज़ें बंद कर, क्योंकि जिसको भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन सेक्सुअल वीकनेस हो उसको कभी भी ताकत वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ताकत वाली चीज़ों से अगर आपका खून गाढ़ा हो गया या यूरिक एसिड बढ़ गया तो ये और ज़्यादा खराब हो जाएगा काम। आपने पता करना है आपको तकलीफ़ हुई क्यों है, आपको वाकई में सेक्सुअल वीकनेस है या नहीं है। अब करते हैं कि सारे लोग मेडिसिन खा रहे हैं पर उनका इलाज नहीं हो रहा है, तो अब आपको पता लग गया होगा कि आपको पहले तो यही बात है कि आपको सेक्सुअल वीकनेस थी कि नहीं थी। आप बिना कारण जाने उसकी मेडिसिन खा रहे हो, आपका सारा शरीर कमज़ोर है, दौड़ा आपसे जाता नहीं, बैठते उठते में आपका सांस फूल जाती है, तो भाई सेक्सुअल वीकनेस कैसे ठीक हो जाएगी। आपको पूरा शरीर ठीक करने की ज़रूरत है अपनी, और टेस्टोस्टेरोन सीधी लेने वाली मेडिसिन का कितना बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, और अल्कोहल का तो मैंने आपको बता दिया, जो होम्योपैथी की 50-50 बूंदे आप लेते हो उसका कितना बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। तो साइट पर जाकर NCBI की आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब इसके ऊपर सारी रिसर्च पढ़ सकते हैं, जो मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है कोई कि मैंने पर्सनल बना लिया है, तो ऐसे नहीं करना है। होप है कि आपको सारा समझ आ गया होगा इसके अंदर क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, आपको है भी या नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को जानकर ही अपना इलाज करें। और जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से होती हैं, आपको ब्रेन को रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसकी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए मेडिसिन गलत तरीके से इस्तेमाल कहीं से भी सुनकर। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपने ऐसी मेडिसिन इसके बिना कोई और भी खा रखी हैं काफ़ी सारी, तो आप मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हो, चाहे आयुर्वेदा खाई है, मेरे से मैसेज कर बात कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरे क्लिनिक पर आ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, रेड कलर का बटन दबा दें और साथ में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि वो नहीं दबाओगे तो आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। तो इस चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, हम ऑथेंटिक है, रिलायबल है, और जो ट्रस्टेड सोर्सेस है उन्हीं से लेके आते हैं, ऐसी मन बनाई बातें इस चैनल पर हम नहीं करते हैं, सारे जो वर्ल्ड लेवल के लिटरेचर हैं वहीं से हम सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। इसके बिना मेरी और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियोस बनी हुई हैं जोड़ों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, पेट की बीमारी के ऊपर, कैंसर के ऊपर, एलर्जी के ऊपर, फंगस इन्फेक्शन के ऊपर, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, सेक्सुअल वीकनेस के ऊपर, वो भी सारी आप देख सकते हैं। वो भी सारी की सारी ऐसे साइंटिफिक बेस और रिसर्च बेस्ड वीडियोस हैं जिनके अंदर हम जो सच हैं वो लेकर आते हैं आपके पास, उनको ठीक करने के तरीके आपको बताते हैं बीमारियों को। तो आप दूसरी वीडियोस भी मेरे देखें और हमारे साथ जुड़े रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपना प्यार साथ में देते रहें। तो वीडियो देखने के लिए